एक रेक्टेंगल को जो वो रेक्टेंगल फॉर्मेट पे होता है, जब उसको हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो उस पे हम अपने शेप डेवलप कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल टूल को हमने पेज को रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करके एक हमने पेज लिया और उस पे हमने स्ट्रेच शेप टूल पे ही हमें मिल जाता है। जब शेप टूल से हम अपने टॉप के दोनों नोड सेलेक्ट करते हैं तो शेप टूल की अप्लाई करके हम ऊपर से उसको टेपर कर देते हैं। सेलेक्शन टूल का जो हमारा मिडिल मॉर्क्यू बॉक्स होता है उसको स्ट्रेच करके इनसाइड कर देते हैं। इसी तरह हम उसके रेक्टेंगल के नीचे के दोनों नोड सेलेक्ट करके स्ट्रेच और स्केल मिरर से उसको हम वाइड कर देते हैं। इसका पिलर बनाने के लिए इसका जो रूफ है उसको कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके उसको मिरर करते हैं और सबको एक दूसरे को मिरर करते हुए थर्ड मिरर को एक पिलर का शेप दे देते हैं। इस पिलर को फिर सेट करते हैं कि वॉल के आउटसाइड ही रहे। इसको ड्रैग करके दूसरा पिलर ले लेते हैं। जो पहला रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ स्ट्रेच करते हैं, वो हमारा फ्लोर बन जाता है। और उसके बाद उसको हम उसी से एक डोर निकालते हैं। डोर बनाने के लिए F2 की से उसे जूम करके भी हम लोग उसे डोर का इनसाइड बनाते हैं और उसमें एक पार्टीशन अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा स्टेयर्स बना है अब उस पर काम करते हैं, उसको मिरर करते हैं और उस पर उसका कलर डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा कलर को लाइट रखते हैं। फिर इस पे कंट्रोल क्यू अप्लाई करके शेप टूल में जा करके नीचे के दोनों नोड सेलेक्ट करते हैं और इसको स्केल एंड स्ट्रेच से हम उसको वाइड करते हैं नीचे वाले बेस को। ये दोनों वाइड हो जाता है। फिर इस येलो कलर और रेड कलर दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रैग करके नीचे लाते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करके उसको लीव ओरिजिनल कर देते हैं। इसको और थोड़ा नीचे लाते हैं और एक और स्टेयर ले लेते हैं। इस स्टेयर्स के बाद इसको फिर हम नीचे लाते हैं और इसको भी वाइट कर देते हैं। टोटल सेट को फिर से सेलेक्ट करके पूरा ग्रुप करते हैं कंट्रोल जी से, इसको छोटा करके जो ये हमारा ये बड़ा सेट है इसको छोटा करके इसके फ्लोर के लेवल पे ले जा करके उसको रख लेते हैं। इस छोटे वाले सेट को हम बाहर निकालते हैं। जैसे बाहर निकालते हैं तो ये वायर फ्रेम में आ जाता है और इसको इनसाइड करते हुए रूफ का जो कॉर्नर है उस पे प्लेस करते हैं और इस छोटे वाले सेट को शिफ्ट पेज डाउन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बड़े वाले सेट के पीछे चला जाता है। इसके दो सेट कंप्लीट कर लेते हैं, कलर दे देते हैं और छोटा कर देते हैं। सबको ग्रुप करते हैं और ग्रुप करने के बाद फिर हम डबल क्लिक रेक्टेंगल टूल पे करते हैं तो रेक्टेंगल टूल बन जाता है। F11 की करने से उसमें फाउंटेन कलर आ जाता है और उसमें सेफ्रॉन कलर एक साइड लगाते हैं और दूसरे साइड सियान कलर का लाइट सियान कलर हम अप्लाई करते हैं। इसका रोटेशन घुमा देते हैं कंट्रोल लेकर के, अगर हम ऊपर करते हैं तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ऊपर हो जाता है। इस पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके नीचे से स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाते हैं और ये ऊपर से हम इसको नीचे ले आते हैं, राइट बटन
करके लीव ओरिजिनल करते हैं, सिर्फ पेज डाउन करते हैं और इस पे जो सियान कलर है उस सियान कलर पे हम लोग ग्रीन कलर अप्लाई कर देते हैं तो हमें ग्राउंड बन जाता है ये हमारा। ओके यस, अब ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल सेट है इसको थोड़ा स्ट्रेच करके स्टेयर्स के नीचे रखते हैं और फिर इस पे कंट्रोल क्यू अप्लाई करते हैं। कलर चेंज करने के बाद इस पे कंट्रोल क्यू करते हैं, फिर शेप टूल पे जाते हैं और ऊपर वाले दोनों नोट सेलेक्ट करके स्ट्रेच एंड स्केल टूल पे जाके इसको ऊपर से कंडेंस कर देते हैं। स्पेस बार प्रेस करने से पिक टूल पे चला जाता है कमांड और फिर एक और स्ट्रेच करते हैं, एक और स्ट्रेच करते हैं, इस पे और डिफरेंट कलर लेते हैं, इसको ग्रीन कर देंगे और इसके बाद एक और स्केल करेंगे स्ट्रेच और इसको थोड़ा सा डार्क मैरून कलर दे देंगे। इस तरह ये हमारा जॉब कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।